प्रयागराज और भारद्वाज मुनि आश्रम भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवास जाते समय क्यों आए और कहां है जाने वीडियो के अंत तक। महर्षि भारद्वाज मंदिर का मुख्य द्वार प्रवेश, जी हाँ, प्रयागराज शहर में आनंद भवन के समीप विश्वगुरु महर्षि भारद्वाज मुनि का आश्रम है। वही आश्रम भारद्वाज आश्रम जहाँ त्रेता युग में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। प्रभु श्री राम वनवास जाते समय और लौटते समय महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए इसी आश्रम आए हुए थे। महर्षि भारद्वाज को विश्व का प्रथम कुलाधिपति और कुलपति कहा गया है। प्रयाग को बसने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, भारद्वाज मुनि बसहिं प्रयाग तिन्हिं राम पद अति अनुराग। यह वही भारद्वाज आश्रम है जो हमें महर्षि भारद्वाज के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जब राम लक्ष्मण सीता संगम पार करके इसी मंदिर पे आए थे तो भगवान राम लक्ष्मण सीता महर्षि भारद्वाज मुनि के पास आए, इनसे सलाह लिए कि हमको अब और कैसे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तब महर्षि भारद्वाज मुनि जी बोले कि आपको चित्रकूट धाम की तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ गए और पूरा वहाँ जब बिताए ये 14 वर्ष और रावण का अंत किया, तब वहाँ से वापस आए तो फिर धुआं उठ रहा था। तो माता सीता ने बोला, यह क्या है? तो तब भगवान श्री राम ने बोला, ये मुनि श्री भारद्वाज जी का आश्रम है। तो सीता ने बोला, आओ चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो राम जी और लक्ष्मण सीता गए वहाँ। तब महर्षि मुनि जी ने बोला, आप तो छूने के काबिल नहीं, क्योंकि आप राम वाले एक पंडित का वध करके आए हैं। आप गंगा स्नान करिए आइए। और तब फिर वो गंगा स्नान करके आए और फिर ये शंकर मूर्ति का स्थापना की अपने हाथ से, जो कि आप सामने हैं। इसी मंदिर को उन्होंने अपने हाथ से स्थापना की और इसमें जल चढ़ाई। इसके बाद तब वो फिर मिले। मिलने के बाद फिर आपस में बातचीत और पूजा किए। इसके बाद फिर भगवान श्री राम वहाँ से चल दिए अपने घर को। तो ये रही कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह प्रयागराज में स्थित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।